बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। स्टूडेंट्स, आज जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बाइनरी सब्ट्रैक्शन। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बाइनरी एडिशन के बारे में कि किस तरह हम दो या दो से ज़्यादा बाइनरी नंबर्स को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम दो या दो से ज़्यादा नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बाइनरी नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो बाइनरी नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ रूल्स है जो हम यहाँ पे डिस्कस मस्ट करेंगे। फर्स्ट रूल जो है वो ये है कि अगर हमारे पास दोनों बाइनरी नंबर्स जो है वो जीरोज़ हों, सो सेम जिस तरह मैथमेटिक्स के रूल है, जीरो माइनस जीरो वो किस चीज़ के बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। सिमिलरली अगर दो हम नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों सेम है, वन माइनस वन, तो वो भी जीरो के बराबर होगा। मतलब रूल, अगर एक नंबर वन जो है दूसरा जीरो है, वन माइनस जीरो, तो यहाँ पर हमारे पास वन आएगा। लेकिन ये जो केस है कि अगर हम 0 माइनस 1 करते हैं, 0 माइनस 1 के केस में अगर हम देखें तो 0 इज लेस देन 1, 0 से तो 1 सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा। सो यहाँ पे हमने क्या करना होगा, कुछ बारो लेनी होगी, हमने बारो लेनी होगी और यहाँ पे जो हमने 0 के साथ ऐड करना होगा, तब जो हम 1 को क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह हम आम मैथमेटिक्स में करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि 20 माइनस 8 में कर रहा हूँ। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 8 है, तो 0 से तो हम 8 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमने क्या लेना होगा, यहाँ से हमने बारो लेनी होगी, ठीक है, बारो लेनी होगी, जो कि इस केस में डिसिमल के केस में हमारे पास जो बारो होगी वो 10 के बराबर है। डिसिमल के केस में हमारे पास जो बारो होती है वो किस चीज़ के बराबर है, 10 के बराबर। यहाँ पे रिमेनिंग क्या रह जाएगा, 1। सो 10 माइनस 8 जो है वो 2 के बराबर आ जाएगा, ये 1 नीचे आ जाएगी, तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो किस चीज़ के बराबर था, 12 के बराबर था। बिकॉज दिस इज अ डिसिमल नंबर सिस्टम, इसमें हमारे पास जो 12 होती है वो 10 के बराबर। अब चूंकि यहाँ पे हम बात करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम की, सो इस केस में हमारे पास जो 12 होगी वो 2 के बराबर होगी, किस चीज़ के बराबर होगी, 2 के बराबर होगी। नाउ अब अगर हम इसके साथ 2 को ऐड कर लें तो 2 माइनस 1 किस चीज़ के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। सो इन रूल्स को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ बाइनरी नंबर्स की सब्ट्रैक्शन को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। सो कुछ एग्जांपल्स के ऊपर करते हैं कि कैसे हम बाइनरी नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, लेट वी हैव टू बाइनरी नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल 110 माइनस 011। ये 2 बाइनरी नंबर्स हैं, इसको हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और इसका रिजल्ट हम चेक करते हैं कि व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दीज 2 नंबर्स। सो सिंपल इसकी कैलकुलेशन है हमारे पास कि लेफ्ट हमारे पास है 100 और दूसरा नंबर है 011। इन दो नंबर्स को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अगर हम यहाँ पे देखें तो फर्स्ट केस है 0 माइनस 1। अब यहाँ ये वाला केस आ गया 0 माइनस 1, तो डायरेक्ट तो 0 को 1 को जो है 0 से माइनस नहीं कर सकते। सो यहाँ से हमने एक बारो लेनी होगी जो किस चीज़ के बराबर होगी, 2 के बराबर होगी। सो फॉर सेक ऑफ सिंपलिसिटी यहाँ पे मैं 2 लिख रहा हूँ, लेकिन चूंकि बाइनरी में 2 नहीं होता, बाइनरी में 2 जो है वो 10 के बराबर होता है। सो यहाँ पे असल में 10 है, लेकिन फॉर सेक ऑफ सिंपलिसिटी मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ। सो 2 माइनस 1 किस चीज़ के बराबर होगा, 1 के बराबर। 2 माइनस 1 किस चीज़ के बराबर होगा, 1 के बराबर। अगेन अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो रिमेनिंग क्या रह गया, 0। अब अगेन 0 से हम 1 को माइनस नहीं कर सकते, 1 से 1 और जो है 0 से 1 को माइनस नहीं कर सकते। सो फिर हमें क्या करना होगा, यहाँ से एक दूसरी जो है हमने क्या लेनी होगी, बारो लेनी होगी, इस ताकि ये जो है इसके साथ ऐड हो जाए। सो यहाँ से जब हम बारो लेंगे तो अगेन वो किस चीज़ के बराबर है, 2 के बराबर है, जो इक्विवेलेंट है 10 के। सो जब 2 से हम 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट अगेन किस चीज़ के बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। और यहाँ पे जो रिमेनिंग है वो किस चीज़ के बराबर है, 0। सो 0 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द रिजल्ट जब हम 2 बाइनरी नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 110 माइनस 011, उसको जब हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया। सो अगर हम यहाँ पे रिजल्ट देखें तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है कि 110 जो बाइनरी में है, इसको इससे हमने माइनस कर लिया, 011 जो बाइनरी में है, तो इससे हमारे पास रिजल्ट आ गया 011।
0011. अब ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट. नाउ अब हम इसकी वेरिफिकेशन करते हैं, क्या वाकई हमारे पास जो रिजल्ट आया हुआ है 011 इज दिस करेक्ट आर नॉट. सो सिमिलर केस जिस तरह हमने एडिशन में बात की थी प्रीवियस लेक्चर में, हम इसका जो इक्विवेलेंट जो बाइनरी नंबर डिसिमल नंबर इसका इक्विवेलेंट वो क्या है 110. अगर हम यहाँ पे देखें आपको डायरेक्ट पता नहीं चल रहा, सो ये जो आपके पास टेबल है इससे आप इजीली जो है क्या कर सकते हैं किसी भी बाइनरी नंबर को डिसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो. सो यहाँ पे आप लिख रहे 110. अब ये किस चीज़ के नीचे 4 और ये 2, तो 4 प्लस 2 6 प्लस 0 हमारे पास किस चीज़ के बराबर है 6 के बराबर. ये किस चीज़ के बराबर है 6. सो यहाँ पे 110 6 हो गया. अगर हम देखें 011, सो यहाँ पे हम फिर से चेक करते हैं 011, तो 2 प्लस 1 जो है वो किस चीज़ के बराबर है 3. सो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 3. तो अब अगर 6 से हम 3 को माइनस करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा 3, और 3 का जो इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर है वो क्या है 011. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कैलकुलेशन हमने की है ये बिल्कुल करेक्ट है. अब इसके ऊपर एक और एग्जांपल करते हैं कि हम कोई से और दो नंबर्स को क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं इस तरह. कोई एक और एग्जांपल हम इसके ऊपर करते हैं, एग्जांपल नंबर 2. लेट हम दो बाइनरी नंबर लेते हैं, एक हमारे पास है 101 बाइनरी में है और यहाँ पे हम दूसरा एक बाइनरी नंबर लेते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं 010. फॉर एग्जाम्पल ये बाइनरी नंबर है, इसको हम क्या करते हैं इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं और इसका हम रिजल्ट चेक करते हैं कि इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा. ठीक है, नाउ कैलकुलेशन करते हैं. सिंपल इसकी कैलकुलेशन है हमारे पास कि 101 माइनस 010, इसको हम माइनस करते हैं सब्ट्रैक्शन. अब देखें फर्स्ट केस 1 माइनस 0 रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा. ठीक है, सेकेंड केस को अगर हम देखें तो 0 माइनस 1 है, 0 माइनस 1. अब 0 माइनस 1 तो नहीं होती, तो हमने क्या करना होगा यहाँ से इस 1 से हमने क्या लेनी होगी बारो लेनी होगी, उस दूसरे केस शिफ्ट करना है यहाँ पे. सो यहाँ पे जब हम बारो लेंगे तो ये बारो किस चीज़ के बराबर है 2 के बराबर है, मीन्स 10 के बराबर है. तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा ये 2 के बराबर हो जाएगा. तो 2 माइनस 1 1 के बराबर. 2 माइनस 1 किस चीज़ के बराबर है, ये हमारे पास आ गया 1. यहाँ पे जो रिमेनिंग है वो क्या हो जाएगा वो 0 रह जाता है और 0 माइनस 0 ये रिजल्ट आ जाएगा 0. किस चीज़ के बराबर आ गया 0 के बराबर आ गया. सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट कि किस तरह हम बाइनरी नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. नाउ हमारे पास जो रिजल्ट आ गया दिस रिजल्ट इज कि जब हम दो बाइनरी नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे माइनस 010, तो ऐसे हमारे पास रिजल्ट आ गया 011, अगेन जो है 3 के बराबर आ रहा है. अब फिर से जो है हम क्या करते हैं अपने रिजल्ट्स की वेरिफिकेशन करते हैं. तो अगर हम यहाँ पे देखें ये 101 जो है बाइनरी में किस चीज़ के बराबर है, बाइनरी में जो नंबर है 101, अगर हम देखें 101, सो 4 प्लस 1 किस चीज़ के बराबर है 5. सो ये जो है हमारे पास 5 के बराबर 010. सो अगर हम 1 की देखें तो ये कौन से कॉलम में, 2 के कॉलम में, तो ये बराबर है 2 के. तो यहाँ पे हमारे पास है 2, तो 5 माइनस 2 जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो है 3, और 3 का जो इक्विवेलेंट है वो है 011, जो कि ऑलरेडी हम यहाँ पे कर चुके हैं 011. तो इसका मतलब है कि जो हम रिजल्ट फाइंड आउट कर चुके हैं जो 011 है दिस इज द करेक्ट रिजल्ट. सो इस तरीके से आप कोई भी बाइनरी नंबर जो है कितने भी डिजिट्स का हो आप इजीली क्या कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. होपफुली स्टूडेंट्स आपको जो है बाइनरी सब्ट्रैक्शन की समझ आ चुकी होगी. थैंक यू सो मच.